देखो भाई, एक्सरसाइज हम 3.4 में थे ना, तो एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका पार्ट जो है इससे पहले वाले लेक्चर में हमारा फर्स्ट हो गया था, सेकंड भी हो गया था, थर्ड देखिए भाई इम्पोर्टेंट है थर्ड, हमारा थर्ड पार्ट अक्सर एग्जाम में आता है। ये क्या कहा है इसमें, समझना एक बार ध्यान से स्टेटमेंट को। इसने कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दो डिजिट का कोई नंबर है और उसका सम करें उन डिजिट का तो वो 9 आता है। फिर इसने कहा ऑल्सो 9 टाइम द नंबर, इस नंबर का यदि हम 9 टाइम करते हैं तो इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर मान लिया जो नंबर हमारे पास बनता है टू डिजिट का, उसका यदि हम 9 टाइम करते हैं और अगर उसके डिजिट को हम क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, यूनिट को कर दें 10 में और 10 को कर दें यूनिट में, तो उसके 2 टाइम के जो है वो इक्वल हो जाता है, ऐसा उसने सेकंड कंडीशन में कहा है। फिर उसने कहा कि फाइंड द नंबर, तो वो नंबर हमने निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक दो नंबर के दो डिजिट का हमारे पास नंबर है तो एक तो उसमें यूनिट प्लेस होगा, वन प्लेस भी जिसको आप बोलते हो, और एक क्या होगा 10 प्लेस होगा, ठीक है। तो लेट किया हमने और मान लिया लेट यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस हमने मान लिया एक्स को, ठीक है। उसके बाद जो इसका 10 प्लेस है भाई, दहाई का अंक जिसको बोलते हैं, वो हमने मान लिया वाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसने दिया है कि सम ऑफ डिजिट, पहली कंडीशन में उसने दिया है कि सम ऑफ डिजिट, अगर इनके डिजिट का यदि हम सम करते हैं तो वो कितना है 9, मीन्स एक्स प्लस वाई यदि मैं करूं तो वो कितना है 9। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वो कह रहा है जो हमारे पास दो नंबरों की एक संख्या है हमारे पास, उस नंबर का सेकंड कंडीशन में उसने कहा है जब हम एक नंबर बनाते हैं इनसे, सेकंड कंडीशन के अनुसार जब हमारे पास एक यूनिट प्लेस है एक्स और 10 प्लेस है हमारे पास वाई, तो नंबर क्या बनेगा इससे, यूनिट प्लेस एज इट इज भाई, फिर प्लस का निशान और जो 10 प्लेस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, यही होता है ना मेथड। ऐसे ही अगर मान लिया आपने तीन अंकों की कोई संख्या बनानी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक्स प्लस 10 वाई प्लस 100 जेड आ जाता है, यही होता है ना बनाने का मेथड, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में नंबर है ये, यानी कि पहला नंबर है हमारे पास ये, वो बाद में कह रहा है अगर मान लिया इससे नया नंबर हम बना दें, नया नंबर हम बना दें यानी कि न्यू नंबर अगर हम मान लिया हम बनाए, ठीक है, नया नंबर मान लिया हम बनाते हैं तो क्या हो जाता है, जहां पर y है वहां पर तो आ जाएगा x आपका, और जहां पर x है वहां क्या आ जाएगा y, रिवर्स कर दिया हमने डिजिट को, बात आ रही है ना समझ में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा क्या था इसने, इसने कहा था जो स्टार्टिंग में नंबर है वो है हमारे पास 10y प्लस x, इस नंबर का 9 टाइम, ठीक है। अगर ऑर्डर को हम चेंज कर दे तो नंबर बना है 10x प्लस y, इस नंबर का ट्वाइस होगा, यही बोला था ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कई बार यहां पर गलती कर देते हैं यूनिट प्लेस और 10 प्लेस में, वो ऐसे ऐड कर देते हैं एक्स प्लस में 10y और बराबर 9, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है, बात आ रही है समझ में। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना हो गया ये 90y प्लस में 9x हो गया, यहां पर हो गया मेरे पास 20x और प्लस में कितना हो गया 2y, यही हो गया ना, एक साइड लेके आओ सभी को, तो ये रह गया मेरे पास 90y, 2y को इस साइड लेके आ तो -2y हो गया, प्लस में कितना है 9x और 20x को इस साइड लेके आ तो -20x = 0, क्लियर यहां तक भाई। इसको मैंने और ज्यादा सोल्व किया तो 90 - 2 88y, यही रह गया, ठीक है। उसके बाद 9x माइनस में 20x, इसको सोल्व किया तो -11x और बराबर 0, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन भी है, कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन है 11, तो 11 कॉमन ले लिया हमने, कितना रह गया यहां पर 8y माइनस x बराबर 0। अब जो 11 है मेरे पास वो है मल्टीप्लाई में, अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो कहाँ आएगा ये डिवाइड में, तो ये आ गया मेरे पास 8y माइनस x बराबर 0। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -x प्लस 8y बराबर 0, आगे पीछे लिख सकते हैं,
कोई गलत नहीं होगा वो, ठीक है। अगर आपके पास a प्लस बी है तो यदि आप उसको b प्लस ए लिखें वो गलत नहीं होता, कॉमोटेटिव लॉ इन एडिशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। 2 प्लस 3 करें तब भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करें तब भी हमारे पास 5 ही आएगा। तो माइनस एक्स को मैंने आगे लिख दिया, प्लस केट वाई को बाद में लिख दिया, साइन थोड़ी ना चेंज किए हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकंड से हमने वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, और हम मेथड का यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हमने क्या किया, क्या करोगे बोलो, ऐड करेंगे ना, क्योंकि कोफिशिएंट तो पहले ही सेम है एक्स वाला, बनाने की जरूरत नहीं है। साइन क्या, दोनों के अपोजिट है, ऐड होगा, सेम साइन होते तो सब्ट्रैक्ट होता। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। वी गेट लिखे, वी हैव लिखे, वो आपकी मर्जी है, प्राप्त करना जिसका मतलब होता है। तो फर्स्ट है मेरे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सेकेंड है मेरे पास माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। कर दो भाई ऐड, तो ये प्लस का x है, ये माइनस का x, कैंसिल हो गया, 9y हो गया इज इक्वल टू 9, तो y कितना निकल गया 1, तो y की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ये y की वैल्यू 1 आप फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, वहां से क्या आ जाएगा x। तो पुट किया आपने, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखा तो x कितना आ गया 8, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास, रिक्वायर्ड नंबर जिसकी हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, नंबर हमारे पास ये रहा x, x की वैल्यू है हमारे पास कितनी 8, फिर प्लस में y, नहीं गड़बड़ लिख दिया, हाँ y, y की वैल्यू है 1, तो 10 इंटू में 1 हो गया, कितना हो गया ये 10 प्लस में 8 यानी के 18, वो नंबर हमारे पास क्या है 18 है। अगर आप 8 और 1 दोनों का सम करके देखो तो 9 आ गया, कर रहे हैं ना इसको सेटिस्फाई, यहाँ रख के देखोगे ना आप, इसमें कहाँ गई वो इक्वेशन, यहाँ इसको भी ये सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ गया, कर लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में जो है ये आता है, कहाँ से दोबारा से समझाऊँ, ये वाला स्टेप नहीं समझ में, बैठो एक बार देखो, हमारे पास कोई भी एक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, कोई भी यदि दो नंबर की, दो अंकों की कोई भी संख्या बनानी है टू डिजिट की, तो एक तो आपने यूनिट प्लेस मानना है और एक टेन प्लेस मानना है। यूनिट प्लेस हमने किसको माना है, एक्स को, टेन हमने माना है वाई को, तो बनेगा क्या, पहले आता है यूनिट प्लेस एक्स, फिर प्लस का निशान, और जो टेन प्लेस है क्योंकि वो दहाई का अंक होता है तो उसको टेन से मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। उसने कहा था जो स्टार्टिंग में नंबर है उसका नौ गुणा कर दिया, अंक पलटने पर यानी कि डिजिट को चेंज करने पर x की जगह y आ जाए, y की जगह x आ जाए, उस नंबर के दो गुणे के बराबर होगा, ट्वाइस के बराबर होगा, यही उसने पूछा था, बस अंदर मल्टीप्लाई की उसके बाद तो कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है, कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। मीना है भाई, कोई लड़की है, वो जो है 2000, हाँ जी बोलो, ये किसके साथ अभी देखो एक बार, कौन सा किताब का भैया, फिर बोल रहे थे ना, क्या नाम है आपके पिताजी का, कुछ नहीं बता रहा सर, और आज ही आया, चलो कोई नहीं, एक बार देख आवाज नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। तो मीना है कोई लड़की, वो जो है बैंक में 2000 रुपए निकलवाने के लिए जाती है। अब देखो कंडीशन क्या लगाई उसने, सी आस्क्ड द कैशियर, वह खजांसी से कहती है टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली, कि उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स चाहिए, ठीक है, यही कहा है ना। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मीना ने जो है कुल जो है 25 नोट जो है वो प्राप्त किए हैं। तो उसने कहा कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब प्राप्त करना, तो बताइए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कुल कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, कोई लड़की है मीना, वो बैंक में गई है और उसने 2000 रुपये निकलवाए हैं, उसने खजांची को कहा है कि उसे जो नोट चाहिए हैं
वो जो नोट है 50 रुपये और 100 रुपये के होने चाहिए, ठीक है। कुल नोट की संख्या जो है उसके पास वो कितनी है, 75 है। वो 50 और 100 के कितने भी हो सकते हैं हमें नहीं पता, 25 कैसे आया, हो सकता है 20 50 के और 5 जो है 100 के हो सकता है 15 10 हो, लेकिन टोटल 25 है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि उसके पास जो नोट की संख्या थी स्टार्टिंग में कौन से 50 रुपये वाले हैं ना, हमने मान लिया कि 50 रुपये वाले नोट की संख्या जो है वो x थी, ठीक है। लेट किया हमने, लेट दी टोटल नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, क्या मान लिए वो हमने x, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, द टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितने भाई 100, यानी कि जो 100 रुपये वाले नोट थे उनको हमने मान लिया y, ठीक है। उसके पास जो टोटल टोटल जो नोटों की संख्या है, टोटल जो नोट्स हैं वो कितने हैं बोलो, 25। कितने हैं 25। इसका मतलब यदि मैं 50 रुपये वाले x, 100 रुपये वाले y दोनों को जोड़ दूं तो ये कितने हैं मेरे पास 25। क्या आ गया ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, उसने टोटल रुपये जो लिए हैं, ठीक है ना, टोटल अमाउंट जो उसने लिया है, अमाउंट रिसीव जो उसने किया है, कितना किया है बोलो, कितना है रुपीज 2000, यही है ना। तो 2000 उसने लिए हैं, एक्स नोट उसने लिए 50 रुपये के, तो इसका मतलब इनकी संख्या तो कितनी होगी 50x, ये तो यानी कि 50x हो गए। उसके बाद 100 रुपये वाले लिए उसने वाई, ठीक है, एक की कीमत है 100 रुपये, तो वाई की हो जाएगी 100 × y, यानी कि ये भी हमारे पास कुछ अमाउंट है और ये भी कुछ अमाउंट है, दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया तो कुल रुपए उसने लिए हैं खजानसी से 2000। ये बात समझ में आई आपको। लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन देखो क्या है, क्या है कॉमन 50, तो 50 हमने ले लिया कॉमन, यहां रह गया x और यहां रह गया 2y = 2000। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस में 2y = 2000 और डिवाइड में आ गया, यही आ गया ना। इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई और ये कितना आ गया 40। तो x प्लस में 2y = कितना आ गया, इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास सेकंड। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो हमने जो है 50 रुपये वाली नोट की संख्या निकालनी है, 100 रुपये वाले नोट की संख्या निकालनी है। 50 रुपये वाले हैं x, 100 रुपये वाले हैं y, तो मीन्स x और y हमने निकालना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए और बताइए क्या इनके कोफिशेंट को सेम करने की जरूरत है, यस और नो, नहीं है ना, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, y को हम देखते ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेम हो जाए, साइन देख लिया करो, सेम साइन है दोनों का, तो प्लस करोगे या माइनस, माइनस, तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, कि समीकरण एक में से दो को घटाने पर, तो यदि आपने घटाया तो ये हो गया x प्लस में y = कितना हो गया 25, यही हो गया ना। उसके बाद सेकंड है हमारे पास x प्लस में 2y = कितना हो गया 40, यही हो गया। उसके बाद क्योंकि हमने माइनस करना है तो माइनस माइनस और माइनस, यही हो गया ना। तो ये प्लस के एक्स है माइनस के एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। यदि आप वाई में से 2y सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस वाई और यहां पर कितना रह गया -15, यही रह गया। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, y = 15। लो भाई जो 100 रुपये के नोट थे वो तो आ गए हमारे पास कितने 15, ठीक है। अब ये 15 हम किस में रख दें, फर्स्ट में रख दें, तो लिखोगे आप पुट y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, एक में रखने पर y = 15, तो एक में रखोगे तो ये हो गया x + 15 = 25, x = 10, ठीक है, कर लोगे ना। यानी कि जो आपके पास 50 रुपये वाले नोट हैं वो तो आगे 10, जो 100 रुपये वाले नोट हैं वो कितने आगे 15, यही आपने निकालना था, लिख लोगे, समझ में आ गया सभी को। लास्ट क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज का देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका पार्ट फिफ्थ है। लैंड का मतलब बताओ क्या होता है, कोई चीज किराए पे लेना, उधार लेना, यही होता है ना। तो उसने कहा मतलब एक लाइब्रेरी है हमारे पास, हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज,
कोई लाइब्रेरी है, कोई पुस्तकालय है, ठीक है, शायद अपने स्कूल में भी होगा कहीं ना कहीं, है या नहीं है? चलो कोई बात नहीं, आप अर्जी लगाओ, जो हमारे सुझाव पेटी का उसमें बनवा देंगे वो भी। पहले तीन दिन का जो चार्ज है वो क्या है? फिक्स है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो उसने कहा अगर मान लिया कोई तीन दिन के अलावा कोई बुक्स को लेता है ना, तो उसके लिए अलग से चार्ज लगता है, ठीक है। जैसे हम भी जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उसमें क्या हुआ करता था, कोई भी बुक्स ली हमने, जैसे यहाँ तो ऐसा नहीं होता स्कूल लाइफ में, क्योंकि अभी आप स्कूल में हो, जब आप कॉलेज में जाओगे और सपोज करो कॉलेज में बुक की संख्या है आपकी 10, ठीक है, तो 10 में से कोई भी दो बुक आप जो है लाइब्रेरी से इश्यू करवा सकते हैं, उनके पैसे नहीं लगते। फिर कंडीशन उनके ऊपर क्या होती है, 14 दिन तक का उनके आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आज आपने कोई बुक जो है इश्यू करवा ली, 14 दिन तक आप उसको फ्री में पढ़ सकते हो। उसके बाद अगले 14 दिन तक पढ़ने के लिए आपने उसको क्या करवाना पड़ेगा, वापस से अपडेट करवाना पड़ेगा लाइब्रेरी में जाके, ठीक है ना। यानी कि एक बार उसको जमा करवाओगे फिर वो वापस निकलवा लोगे। लेकिन अगर वो 14 दिन तक भी आपने जमा नहीं करवाई तो फिर आगे जैसे ही आपके दिन बढ़ते जाएंगे ना, 15वां दिन है, 16वां दिन है, फिर पर डे के हिसाब से आपका 1 रुपया चार्ज लगेगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, लेकिन जब आपने दो बुक निकलवाई हो और 2-3 महीने जमा ही ना करवाओ तो ये अमाउंट बड़ा भी लगता है, फिर बड़ा लगता है ना। मान लिया एक बुक को आपने 3 महीने जमा नहीं करवाया, 1 दिन का 1 रुपया है, 1 बुक के 90 रुपये हो गए, 2 के कितने हो गए 180 रुपये, फिर ये अमाउंट बड़ा लगता है, ठीक है। जैसे आप फोन कॉल पे देखते हो कि नाम मात्र सा चार्ज होता है 50 पैसे या 25 पैसे, लेकिन जैसे ही वो बात थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो वही अमाउंट फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सेम वही कंडीशन है, यानी कि स्टार्टिंग का जो हमारे पास जो 14 या 15 दिन होते हैं उसका कोई चार्ज नहीं लगता। अगर उसको आप मतलब अपडेट नहीं करवाते तो फिर उसमें क्या होता है, उसका चार्ज लगता है, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पर, जो लाइब्रेरी का केस इसने लिया है, इसने कहा कि 3 दिन का कोई किराया नहीं है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा कोई बच्चा रखेगा तो उसके लिए उसको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो उसने कहा, ये कोई लड़की है भाई, लड़की है या लड़का मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल नाम ऐसे ही रखते हैं, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 डेज। सरिता ने जो है टोटल 27 रुपये दिए हैं और एक बुक्स को उसने कितने दिन लिया था, 7 दिन लिया था। इसका मतलब 3 दिन का तो उसने कोई चार्ज नहीं दिया, 4 दिन के उसने पैसे दिए हैं, हमें नहीं पता वो पैसे कितने दिए हैं। उसके बाद वाइल कोई लड़का है सचिन जिसका नाम है, पेड ₹21 फॉर दी बुक सी कैट फॉर 5 डेज। उसने किताब को 5 दिन लिया था और 21 रुपये उसने पे किए हैं। तो फाइंड दी फिक्स चार्ज एंड दी चार्ज पर एक्स्ट्रा डेज। तो आपने एक तो फिक्स चार्ज निकालना है और एक एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी आया था अगर आपको ध्यान हो, लेकिन टर्म और कंडीशन उसकी अलग थी, यहाँ पर टर्म और कंडीशन अलग है, ठीक है। तो ध्यान दें, हम करते क्या है ऐसे केस में, एक दो जो फिक्स चार्ज है उसको मान लेते हैं और एक जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको मान लेंगे, ठीक है। तो लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को हमने क्या मान लिया, तो फिक्स चार्ज को हमने मान लिया ₹x, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको हमने मान लिया ₹y, ठीक है। स्टार्टिंग में जो केस है वो लड़की है हमारे पास जिसका नाम क्या है, यही है स्पेलिंग, देख लेना स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है मेरे से। अच्छा बस रहने दो, ठीक है। इसने जो है टोटल रुपए कितने दिए हैं, सरिता वाले केस में कितने दिए हैं, 27। बुक कितने दिन ली थी इसने टोटल, कितने दिन ली थी, 7 डेज। 7 डेज के लिए ली थी ना इसने, तो इसका मतलब जो पहले 3 दिन का किराया है वो तो है हमारे पास फिक्स चार्ज x, बात खत्म हो गई भाई, ठीक है। टोटल 7 दिन इसने बुक ली थी, ध्यान से समझो, 7 में से 3 को घटाओ कितना रह गया, 4। और एक्स्ट्रा चार्ज हमारे पास कितना है, 1 दिन का y, तो 4 दिन का कितना हो गया, 4y। ये बात समझ में आई या नहीं आई, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सर 7y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 7 दिन तो उसने टोटल यूज किया है, 7 में से 3 दिन का हमारे पास फिक्स चार्ज है जो कि x है, बाकी के 4 दिन का 1 दिन का y है।
तो चार दिन का कितना हो गया 4y, टोटल रुपए उसने दिए हैं 27। समीकरण नंबर एक इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, उसके बाद है भाई हमारे पास केस कौन है। अब इसमें स्पेलिंग क्या लिख रखी है? अब इसने जो बुक ली है वो ली है कितनी? 5 days, 5 दिन के लिए ली है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 5 दिन में से 3 दिन का जो किराया वो है फिक्स, तो वो तो हो गया x, रह गया कितने दिन का? 2 दिन का रह गया ना, वो कितना हो गया? 2y, और वो है हमारे पास 21। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में वेरिएबल को देखो, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो एक में से दो को घटा दें बस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने इस तरीके से सेंटेंस लिख देना है या शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी काम चल जाएगा। आपका जो मेथड है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27, और नीचे हो गया मेरे पास x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है, उसके बाद यहां पर हो गया माइनस माइनस और माइनस, यही हो गया ना। तो ये प्लस के x है, माइनस के x, कैंसिल हो गया। अब 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट करो, 2y रह गया, और यहां पर रह गया मेरे पास 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है हमारे पास एक दिन का वो कितना है? 3 रुपए है। ठीक है, अब ये y की वैल्यू आप पुट करेंगे किस में? पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, तो एक में आपने रखा x प्लस में y, y की जगह है 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, और ज्यादा सोल्व करोगे तो x प्लस में कितना हो गया? 12 इज इक्वल टू 27, और ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 27 माइनस में 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? यहां तो रह गया कितना? 5 रह गया, और यहां पर 1। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. हो जाएगा ना? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ये कर लेना है। कंप्लीट हो गई भाई एक्सरसाइज? Yes, sir. तो अगला मेथड है हमारा, 2 मिनट रहते हैं अभी क्लास के, बस इतना ही करोगे? Yes.